गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज के इस पार्ट में हम लेसन लॉस्ट स्प्रिंग के एक्सरसाइज क्वेश्चंस एंड चेंज क्वेश्चंस देखेंगे और समझेंगे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चंस पर। व्हाट इज साहिब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डम्स? साहिब कचरे के ढेर में क्या देख रहा था? वेयर इज ही, वह कहाँ है? एंड वेयर हैज ही कम फ्रॉम, और वह कहाँ से आया है? आंसर, साहिब इज लुकिंग फॉर कॉइन्स, रुपी नोट एंड अदर यूजफुल ऑब्जेक्ट इन द गार्बेज डम्स। साहिब कचरे के ढेर में सिक्के, नोट और अन्य उपयोगी वस्तुएं देख रहा है। साहिब एंड हिज फैमिली लिव्ड एट सीमापुरी, ए स्लम एरिया ऑन द आउटस्कर्ट ऑफ दिल्ली। साहिब और उसका परिवार सीमापुरी में रहता है, जो दिल्ली के बाहर एक स्लम एरिया है, एक झुग्गी वाला क्षेत्र है। साहिब केम फ्रॉम ढाका, बांग्लादेश विथ हिज मदर इन 1971। साहिब बांग्लादेश के ढाका से अपनी माँ के साथ 1971 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चंस, व्हाट एक्सप्लेनेशन डज द ऑथर ऑफर फॉर द चिल्ड्रेन नॉट वेयरिंग फुटवेयर? जो बच्चे जूते नहीं पहनते उनके लिए लेखिका क्या स्पष्टीकरण देती है? और इसी प्रश्न को परीक्षा में चेंज करके पूछा गया है। Why did the children not wear any footwear? क्यों बच्चे किसी भी प्रकार का जूते चप्पल नहीं पहनते? What explanation did they give for it? इसके लिए वे क्या स्पष्टीकरण देते हैं? Answer: The author thinks that being barefoot is a tradition for most and that it is not due to lack of money. लेखक सोचता है कि नंगे पैर रहना उनकी अधिकांश लोगों की एक परंपरा है और यह पैसों की कमी के कारण नहीं है। But he also cannot help but wonder if that is only an excuse to explain away their eternal poverty. इसलिए वह मदद भी नहीं कर सकता, लेकिन आश्चर्य करता है कि यह केवल अपनी आंतरिक गरीबी को दिखाने का एक एक्सक्यूज, बहाना है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, इज साहिब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल? एक्सप्लेन, क्या साहिब चाय की दुकान पर काम करके खुश था? समझाइए। आंसर, साहिब इज नॉट हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल। साहिब चाय की दुकान पर कार्य करके खुश नहीं था। हिज फेस हैज लॉस्ट द केयर फ्री लुक, उसके चेहरे से लापरवाही का जो लुक था वह खो गया था। द स्टील कैनिस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग हु वाज हिज, जो स्टील का केटली थी, कैनिस्टर था, वह बहुत ज़्यादा भारी लगने लगा था उसके प्लास्टिक बैग की तुलना में जो उसी का था। ही इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, अब वह अपना मालिक नहीं रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चंस, व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस? फिरोजाबाद शहर को क्या प्रसिद्ध बनाता है? आंसर, फिरोजाबाद इज फेमस फॉर इट्स ग्लास बैंगल्स। फिरोजाबाद अपने कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। द प्लेस इज द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, यह भारत का कांच पिघलाने वाले उद्योग का एक केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चंस,
मेंशन द हैजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल्स इंडस्ट्री। कांच की चूड़ियों के उद्योग में काम करने के खतरों का उल्लेख कीजिए। आंसर, देयर वेयर लॉट्स ऑफ हैजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल्स इंडस्ट्री। कांच की चूड़ियों के उद्योग में कार्य करने वालों को बहुत ज़्यादा खतरे हैं। वर्कर्स हैड टू वर्क देयर विथ हाई टेम्परेचर इन डिग्नी सेल्स विथआउट एयर एंड लाइट। कामगार गंदे कमरों में जो हवा और प्रकाश से रहित हैं, उच्च तापमान पर वहाँ कार्य करते हैं। द हार्मफुल डस्ट ऑफ पॉलिशिंग ऑफ बैंगल्स हार्म्स देयर आईज। पॉलिशिंग करने की जो नुकसानदायक धूल है वह उनकी आँखों को नुकसान पहुँचाती है। नॉट ऑल पीपल वेयर एबल टू ग्रो अप विथ गुड एंड प्रॉपर आई साइट। सभी व्यक्ति अपनी अच्छी और उचित दृष्टि के साथ वहाँ बड़े नहीं हो पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस, हाउ इज मुकेश एटीट्यूड टू हिज सिचुएशन डिफरेंट फ्रॉम डेट ऑफ हिज फैमिली। अपनी स्थिति के बारे में मुकेश का दृष्टिकोण अपने परिवार के दृष्टिकोण से किस प्रकार भिन्न है, या कह सकते हैं मुकेश का अपनी स्थिति के प्रति रवैया और अपने परिवार के प्रति रवैये से किस प्रकार भिन्न है। आंसर, मुकेश इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम अदर बैंगल्स मेकर ऑफ फिरोजाबाद बिकॉज ही हैज द कॉज टू टेक इंटीएटिव एंड ब्रेक फ्रॉम द ट्रेडिशन फैमिली ऑक्यूपेशन। मुकेश फिरोजाबाद में अन्य चूड़ी निर्माताओं से काफ़ी अलग है क्योंकि उसमें पहल करने की और पारंपरिक पारिवारिक व्यवसाय को तोड़ने का साहस है। ही हैज स्ट्रॉन्ग विल पावर आल्सो। उसके पास मजबूत इच्छा शक्ति है। ही इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर बाई बिकमिंग ए मोटर मैकेनिक। वह मोटर मैकेनिक बनकर खुद का मालिक बनने पर जोर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट, व्हाट कुड बी सम ऑफ द रीजंस फॉर द माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम विलेज टू सिटी। गांव से शहरों की ओर लोगों के प्रवास के कुछ कारण क्या हो सकते हैं। आंसर, पीपल माइग्रेट फ्रॉम विलेज टू सिटीज इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड। लोग आजीविका को खोजने के लिए गांवों से शहरों की ओर प्रवास करते हैं, अर्थात पलायन करते हैं। देयर फील्ड फेल टू प्रोवाइड देम मीन्स ऑफ सर्वाइवल। उनके खेत उन्हें जीवित रहने का साधन प्रदान करने में असफल हैं या विफल रहते हैं। सिटीज प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट जॉब और अदर मीन्स ऑफ गेटिंग फूड। शहर रोजगार नौकरी या भोजन प्राप्त करने के अन्य साधनों को प्रदान करता है नेक्स्ट क्वेश्चंस, वुड यू एग्री डेट प्रोमिसेस मेड टू पुअर चिल्ड्रेन आर रेयरली केप्ट। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि गरीब बच्चों से किए गए वादे बहुत कम ही पूरे होते हैं, अर्थात मात या शायद ही कभी पूरे होते हैं।
वाई डू यू थिंक दिस हैपेंस इन द इंसिडेंट्स नेरेटेड इन द टेस्ट। पाठ में वर्णित घटनाओं में ऐसा क्यों है, आप क्या सोचते हैं? आंसर, इसी का एक चेंज क्वेश्चंस है। व्हाट प्रॉमिस डिड द ऑथर मेक विद साहेब, कौन सा वादा लेखिका ने साहब से किया था? भाई हैड सी टू फील स्मॉल, क्यों उसने अपने आप को छोटा महसूस किया? क्या वादा लेखिका ने साहब से किया और क्यों लेखिका ने अपने आप को छोटा महसूस किया? दोनों का एक ही आंसर है। द प्रोमिस मेड टू द पुअर आर रेयरली केप्ट, गरीबों से किए गए वादे शायद ही कभी पूरे होते हैं। द ऑथर आस्क साहेब हाफ जोकिंग, लेखक ने साहब से आधे मजाक में कहा था, वाट एवर ही विल कम टू हर स्कूल इफ सी स्टार्ट वन, कि वह हमारे स्कूल आएगा यदि वह उसे बनवाएंगी। साहब एग्री टू डू सो, साहब इसके लिए सहमत हो जाता है। ए फ्यू डेज लेटर ही आस्क इफ द स्कूल इज रेडी, कुछ दिनों के बाद साहब लेखिका से पूछता है कि आपका स्कूल तैयार है। द राइटर फील्स एम्ब्रेस्ड एट हैविंग मेड ए प्रोमिस डेट वाज नॉट मीन, लेखिका अपने किए गए वादे के लिए शर्मिंदगी महसूस करती हैं जिसका कोई मतलब नहीं था। प्रोमिसेस लाइक हेयर्स अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ देयर ब्लैक वर्ल्ड, ऐसे वादे जो लेखिका ने किए थे उसके अंधकारमय संसार के प्रत्येक कोने में मौजूद थे। नेक्स्ट क्वेश्चंस, व्हाट फोर्सेस कंस्पायर टू कीप द वर्कर्स इन द बेंगल इंडस्ट्री ऑफ फिरोजाबाद इन पॉवर्टी, फिरोजाबाद में चोरी उद्योग में मजदूरों को गरीबी में रखने के लिए क्या ताकतें साजिश करती हैं? आंसर, सर्टेन फोर्सेस कंस्पायर टू कीप द वर्कर्स इन बेंगल इंडस्ट्री ऑफ फिरोजाबाद इन पॉवर्टी, कुछ ताकतें फिरोजाबाद में चोरी उद्योग के मजदूरों को गरीबी में रखने की साजिशें करती हैं। दीज इंक्लूड द मनी लेंडर्स, द मिडलमैन, द पुलिसमैन, द कीपर्स ऑफ लॉ, ब्यूरोक्रेट्स एंड द पॉलिटिशियन, इनमें शामिल है साहूकार, बिचौलिए, पुलिस, कानून को मानने वाले नौकरशाह और राजनेता। नेक्स्ट, टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 1, हाउ इन योर ओपिनियन कैन मुकेश रियलाइज हिज ड्रीम, कैसे आपके विचार में मुकेश अपना सपना साकार कर सकता है? आंसर, ही कैन रियलाइज हिज ड्रीम बाय ज्वाइनिंग ए गैराज, वह एक गैराज को या गैराज में शामिल होकर अपने सपने को साकार कर सकता है। एंड लर्न द जॉब ऑफ रिपेयरिंग कार्स एंड ड्राइविंग देम, और वहाँ कारों की रिपेयरिंग और उसको चलाना सीखने का कार्य कर सकता है। ही विल हैव टू ओवरकम मैनी हर्डल्स बिफोर द सक्सीड, सफल होने से पहले उसे कई बाधाओं पर विजय प्राप्त करनी होगी। पेशेंस, हार्डवर्क, फिर्म विल एंड द डिटर्मिनेशन टू लर्न विल हेल्प हिम रियलाइज हिज ड्रीम, धैर्य, करी मेहनत, दृढ़ इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास उसे सफल या उसे अपने सपने को
साकार करने में मदद कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, मेंशन द हैजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल्स इंडस्ट्री, कांच की चोरियों के उद्योग में काम करने के खतरों का उल्लेख करना है। आंसर, इस प्रश्न का आंसर हम ऊपर क्वेश्चन नंबर 5 में देख चुके हैं और समझ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस, व्हाई शुड चाइल्ड लेबर बी एलिमिनेटेड एंड हाउ, बाल श्रम को क्यों समाप्त किया जाना चाहिए और कैसे किया जाना चाहिए। आंसर, चाइल्ड लेबर शुड बी एलिमिनेटेड बिकॉज इट टेक्स अवे फ्रॉम द चाइल्ड हिज चाइल्डहुड एंड द प्रोस्पेक्ट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। बाल श्रम को समाप्त किया जाना चाहिए क्योंकि यह बच्चे से उसका बचपन और उसकी प्रारंभिक शिक्षा छीन लेता है। बर्डेंड बाय द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वर्क दे बीकम अडल्ट्स टू सून, काम की जिम्मेदारी के बोझ तले दबकर वे बहुत जल्दी अडल्ट्स वयस्क हो जाते हैं। चाइल्ड लेबर कैन बी एलिमिनेटेड ओनली थ्रू कंसर्टेड एफर्ट ऑन द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट एजेंसीज, एनजीओस एंड पॉलिटिकल लीडर्स। बाल श्रम को केवल सरकारी एजेंसियां और गैर सरकारी एजेंसियां, सहकारी समितियां और राजनीतिक नेताओं के ठोस प्रयासों के माध्यम से समाप्त किया जा सकता है। एंड लॉ शुड बी एनेक्टेड फेथफुली, और बाल श्रम के संबंध में श्रम कानूनों को ईमानदारी से लागू किया जाना चाहिए। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।